नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल पे। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन सी 10 समस्या है जिससे हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है कि जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक है तो फिर किसी का भी डर नहीं। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में हनुमान जी की कृपा जिस पे बरसना शुरू होती है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। तो आइए जानते हैं कि वो खुद 10 तरह की बाधाओं से कैसे बचा लेते हैं और वो बाधा कौन कौन सी है। तो आइए जानते हैं पहली बाधा, जो कि भूत और पिशाच की है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है कि जब महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते, जिससे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच से डर लगता है वो हनुमान जी का बस नाम ही जपेंगे तो भय मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बाधा है शनि और ग्रह बाधा, जिसे लगता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है। साठे साथी, अढ़ाइया या राहु की महादशा चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस पे हनुमान जी की कृपा होती है उसका शनि और यमराज बाल भी बाका नहीं कर सकते। तीसरी बाधा है रोग और शोक, ना से रोग हरे सब पीरा, चपत निरंतर हनुमंत बीरा। इसका अर्थ है कि जब वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा या आप किसी रोग से ग्रस्त है तो हनुमान जी का पाठ करें, जिससे ये पीड़ा भी नाबूद हो जाएगी। चौथी है कोर्ट कचहरी और जेल बंधन से मुक्ति। हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है, इनके अलावा कोई अन्य बंदी छोड़ नहीं है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पे कारोबार का कोई संकट नहीं आता, वो मानसिक रूप से भी बंधन मुक्त हो जाता है। पांचवा है मारण, सम्मोहन और उच्चाटन। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को स्पष्ट बोलने की आदत होती है जिसके कारण उनके गुप्त शत्रु भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि आप सभी तरह से अच्छे हैं लेकिन आपकी तरक्की से लोग जलते हैं। इस समय में आपको हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए, जिससे आपको तुरंत फल मिलता है और आपकी जो भी समस्याएं है वो चली जाती है। छठी समस्या है घटना दुर्घटना से बचना। घटना दुर्घटना को राहु केतु और शनि अंजाम देते हैं, जैसे अचानक आग लग जाना, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या मुसीबत अचानक आ जाना। हनुमान जी का शहभर मंत्र अत्यंत ही सिद्धि मंत्र है। इसके प्रयोग से हनुमान जी तुरंत ही आपके मन की बात सुन लेते हैं। ये मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों और कष्टों को दूर कर देता है। सातवां है मंगल दोष। दोस्तों ये बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग मंगल दोष के भय से ग्रसित है। शादी के लिए मंगल को जिस स्थान पर देखा जाता है वो है 1, 4, 7, 8 और 12। ज्योतिषों के अनुसार इनमें से केवल 8वां और 12वां भाव सामान्य तौर पर खराब माना जाता है। सामान्य तौर का अर्थ है कि विशेष परिस्थितियों में इन स्थानों पर मंगल अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा माना जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद अगर यह दोष समाप्त हो जाना शुरू हो जाता है तो अच्छी बात है। इस समय में आपको मंगलवार के दिन रख के सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए एवं हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष का शांत होता है। इसके अलावा लाल वस्त्र में मसूर दाल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, मिष्ठान एवं द्रव्य लपेट के नदी में प्रवाहित करने से मंगल का अमंगल दूर होता है। आठवीं है कर्ज से मुक्ति। यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज से परेशान हैं, तो हनुमान भक्ति से कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं। हनुमान जी की कृपा तुरंत हुई तो इससे मुक्त हो सकते हैं। नौवीं है नौकरी और रोजगार। अगर आप बेरोजगार हैं
या आपका व्यवहार नहीं चल रहा, तो आप मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। इससे आपका काम हो जाएगा और दसवां है तनाव और चिंता। बहुत से लोग को अनावश्यक भय और चिंता सताती है, जिससे ये लोग तनाव में रहते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई रोगों का शिकार बनता है। ऐसे समय में आपको ओम हनुमते नमः का जाप करते रहना चाहिए। रात में सोते समय उसे 108 बार मंत्र का जाप करने से आपकी आशंकाएं दूर हो जाएगी और आपकी चिंता भी मिट जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 10 समस्याएं जिसका हल हमें हनुमान जी से मिल जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।